लोकसभा निवडणुकीनंतर मीच मुख्यमंत्री होणार, गोपीनाथ मुंडेंनी केलं जाहीर। वाराणसीत मोदींविरुद्ध रंगणार केजरीवाल सामना। नागपूरमध्ये नितीन गडकरींच्या प्रचारासाठी योगगुरु रामदेव बाबांनी लावली हजेरी। आणि आज मिशन लोकसभामध्ये गजानन कीर्तिकर यांची मुलाखत। नमस्कार, मी स्वाती गोडसे, टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते। नजर टाकूया त्याच्या ठळक घडामोडींवर। निसर्गाच्या तांडवात संपूर्ण महाराष्ट्र होरपळून निघालाय। उद्ध्वस्त झालेले अगणित शेतकरी, मरण पावलेली शेकडो मुखी जनावरं, भुईसपाट झालेली हिरवीगार शेती, देशाचा पालनकर्ता बळीराजा, अशा असंख्य समस्यांना झुंज देताना आम्ही रंगाची उधळण करावी का असा सवाल विचारता या वर्षी रंगोत्सव साजरा न करण्याचा निर्णय बीडकरांनी घेतला आहे। तसंच या देशाला जगवणाऱ्या बळीराजाच्या या संकट समयी त्यांच्या दुःखात सहभागी असल्याचं बीड इथल्या नागरिकांनी म्हटलं आहे। लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार येणार असून मीच मुख्यमंत्री होणार असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी घोषित केलंय। ते धनगर समाजाच्या मेळाव्यात बोलत होते। या कार्यक्रमात दिलेल्या भाषणादरम्यान त्यांनी ओबीसींसाठी दिलेल्या आपल्या लढ्याची माहिती देत त्यांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला व नंतर मुंडेंनी भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान होणार असून देशात पहिल्यांदाच ओबीसी पंतप्रधान होईल असंही मुंडे म्हणाले। याआधी मी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलं, मात्र आता मुख्यमंत्री म्हणूनच येणार असं मुंडेंनी या मेळाव्यात जाहीर केलं। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीड लोकसभा मतदारसंघात भारत निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श निवडणूक आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू असून यासाठी जिल्हा प्रशासन व निवडणूक यंत्रणा जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या घटनांवर कडक नजर ठेवून आहेत। तरी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय व्यक्तींकडून आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही याची संबंधित राजकीय व्यक्तींनी दक्षता घ्यावी, अन्यथा कोणत्याही माध्यमातून उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आल्यास कोणतीही हयगय न करता जिल्हा निवडणूक विभाग त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करणार असल्याचा इशारा जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडून करण्यात आलाय। भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना वाराणसीतून उमेदवारी जाहीर झाली असल्यामुळे आता आम आदमी पक्षही आपला उमेदवार रिंगणात उतरवण्याच्या तयारीला लागला असून अरविंद केजरीवाल हे नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। मोदी विरोधात आम आदमी पक्ष हा मजबूत नेत्यालाच उभं करणार असल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं, मात्र याबाबत अजून आपमधून कोणत्याही उमेदवाराच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही। बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यात एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घृणास्पद घटना घडली असून डोंगरे सुनील माणिक असं या नराधमाचं नाव आहे। तसंच आरोपी हा वडवणीचा रहिवासी असून या आरोपीला पकडण्यात बीड पोलिसांना यश आलंय। बनारस का बाओगे? अब तक केवल लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते व नागपूर लोकसभा उमेदवार नितीन गडकरी यांच्या प्रचारासाठी योगगुरु रामदेव बाबा यांनी नागपूरमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना नितीन गडकरींना पाठिंबा देण्यासाठी लोकांना आवाहन केलंय। दरम्यान नागपूर दौऱ्यादरम्यान त्यांनी नागपूरमधील लोकांशी संवाद साधण्यासाठी सर्वेक्षण करून समाजातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी तुम्ही योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिलाय। बनारस कब आओगे? अब तक केवल। आणि आज मिशन लोकसभा या टाइम टीव्हीच्या खास राजकीय व्यक्तींच्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत शिवसेनेचे मुंबईतील लोकसभेचे उमेदवार गजानन कीर्तिकर यांची ही खास मुलाखत। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है वहां से उनका जो तालुकात रहता है वहां से लेके उसके साथ बातचीत करके पत्रवार करके काम करके लेना, ये सबसे आम भूमिका किसी भी खासदार की होनी चाहिए। उसके पीछे पड़ने के लिए खासदार उस जनता का प्रतिनिधि रहता है।
ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात, जो भारत देश में जो पॉलिसी बनेगी, जैसे कायदे बनेंगे, स्पेशली जो पॉलिसी रहती है, अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी जी क्या पॉलिसी रखेंगे, शिक्षा के बारे में आज डिस्क्रिमिनेशन है, शिक्षा की अव्यवस्था है, कृषि के बारे में है। हमारी सबसे अहम भूमिका मुंबई शहर वासियों के लिए कि मुंबई शहर एक नौकरी करने वाला शहर है, भले इंडस्ट्रियलिस्ट रहते इधर और व्यापारी रहते, लेकिन जो नौकरी करने वाले, जिसका तनख्वाह आज के दिन में जो रिवाइज हो गया, सिक्स पे कमीशन हो गया, उस हिसाब से 40,000-50,000 तनख्वाह महीना, यानी 4-5 लाख का उनका वार्षिक उत्पन्न रहते हैं। अभी आज के इनकम टैक्स का स्लैब है 1,80,000, उसके बाद 30% आपको टैक्स भरना पड़ता है। ये स्लैब आगे जाना चाहिए, समझो कि कम से कम 5 लाख तक रिलैक्सेशन चाहिए ये टैक्स के लिए, यानी टैक्स की रचना जो होगी कि आने वाले गवर्नमेंट में, उसमें हम जैसे खासदार हम लोग इंसिस्ट करेंगे, मांग करेंगे, भारत देश के खासदार जो हमारे NDA के, वो मांग करेंगे कि ये रिलैक्सेशन होना चाहिए, यानी आम जनता के लिए, समझा कि नहीं। और दूसरी, आतंकवादी काम, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कैसा रोकना है, ये जो प्राइस हाइक जो हो गया उसको कैसा रोकना है, ये आम तौर पे ये काम खासदार को ध्यान लेके करना पड़ेगा। मतभेद नहीं होता है, देखो ये लोकशाही प्रणाली है, लोकशाही प्रणाली में तो बातचीत होती रहती है, वो बातचीत इसका मतलब ये जो मतभेद नहीं है, देखो कि एक का कहना दूसरे का कहना, उसका अगर मेलजोल नहीं बनता है उसमें तनाव नहीं होता है, लेकिन बातचीत होती रहती है, ये तनाव का मुद्दा नहीं है। देखो कि ये जो NDA की हमारी महाराष्ट्र की जो 5 पार्टियां इकट्ठा आ गई, वो पूरे मन से इकट्ठा है, हमारी प्रचार यात्रा 5 ही दलों के एक साथ में हो गई, अभी तक 5 बहुत बड़े मेलावे महासभा हो गई हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे का मेल बहुत अच्छा है इस पार्टी में, और हम लोग जी जान से सभी पार्टी एक साथ एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ऐसे हम लोगों ने तय किया है। अभी उसकी बात बोले तो गुरुदास कामत समझो मंत्री थे, खासदार थे, बार बार खासदार चुन के आए, लगातार 3 दफे खासदार चुनने का जो समय था वो अगर गिनेंगे तो अभी 5वीं बार चुनाव लड़ते, समझा कि नहीं। तो अभी मैं तो 20 बरस आमदार था, वैधानिक कामकाज का जो अनुभव चाहिए, 20 बरस आमदार, लगातार 4 दफे मैं चुनाव जीत के आया हूँ मालाड विधानसभा क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6,80,000 मतदाता की संख्या है। मैं 4.5 बरस मंत्री था, तो मंत्री का प्रशासन के काम का अनुभव भी मैंने ले चुका है, स्टेट होम मिनिस्टर का काम मैंने किया है, अनुभव की बात बोले तो मैं उससे बहुत आगे तक अनुभव ले चुका हूँ। क्या बोलती है, अब ये काम नहीं किया है उसने, जो संपर्क रखना चाहिए वो भी रखा नहीं है, जैसे कि जब भी चुनाव जीत गए तभी उसके जो साथी है मनास, जो माड़ा के चेयरमैन थे, जिसके माध्यम से उन्होंने उनके पार्टी के लिए ऑफिस ले लिया, माड़ा का जमीन ले लिया और आलीशान ऑफिस बनाया, पहले 6 महीने आते जाते थे शनिवार रविवार, बाद में रविवार कट किया, खाली शनिवार रहते थे, 6 महीने के बाद गायब हो गए, मिलते नहीं है, फोन उठाते नहीं है, कभी आपातकाल रहता है हम लोग दौड़ते हैं सब जगह, आपातकाल रहेगा जैसे कि गोरेगांव वेस्ट में एक सार्वजनिक शौचालय में स्फोट हो गया और एक औरत गिर गई मर गई उधर, तो इसके लिए हम लोग दौड़े सब। सुभाष देसाई प्रदेश जाने वाले थे, प्रदेश जाने का उसका जो टिकट था उसने रद्द किया और आपातकाल के ठिकाने में पहुंचे, उसको सब हम लोगों ने मदद किया। तो ऐसे आपातकाल में दौड़ने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की रहती है, आमतौर पर ऐसा कोई काम उसने किया नहीं। और अगर विकास का काम बोले तो मैं बोला कि CRZ का क्या हो गया, हमारे यहाँ जो जोगेश्वरी गुम्फा है, गुम्फा के आजू बाजू में 100 मीटर में घर होना नहीं चाहिए, झोपड़ी होना नहीं चाहिए, ये नियम बहुत पुराना था, ये नियम के मुताबिक अगर वो चलते तो वहाँ 100 मीटर के एरिया में कुछ होता नहीं था, लेकिन जो 40-50 साल पूर्व जिसने किसने पैसा लेके जो झोपड़ी बिठाई और जो इमारत बनाने के लिए सम्मति दी, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि उसको उठाओ, अभी उठाना जरूर है हम समझते, लेकिन 40-50 बरस रहने वाले को उठाना है तो उसको पर्यायी जगह दे दो, वो लोग सब तरस से, अभी तक उसको कोई ऐसा कोई सुविधा मिली नहीं है।
उसमें प्रावधान है कि अगर समझो कि आपको अगर करना है 100 मीटर का एरिया साफ तो उसको पर्यायी जगह दे दो। ओशिरा काम क्यों नहीं हुआ, मेट्रो क्यों नहीं चलती है, CRZ के बारे में आपने कोलीवाड़े के लिए क्यों रिलैक्सेशन नहीं लाया, ऐसे बहुत सारे काम जो है। अभी देखो कि मेट्रो का काम तो बहुत पुराने सालों से शुरू है, 2009 में तो आप खासदार बन गए जी। हमारे जोगेश्वर विक्रोली लिंक रोड मैंने बनाया ऐसा वो कहते अपने अपने पत्रक में, वो तो बहुत पुराने साल, जब भी मैं वहाँ का आमदार था, मैं वहाँ 20 बरस आमदार था, ये जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड मेरे मतदार संघ में आता है, उसका जो पर्यायी जगह देने की व्यवस्था, उसके बारे में जिसका क्लेम है वो क्लेम अपील करने की व्यवस्था है, सब मैंने खुद जाके करके दिखा दे दिया। और ये JVLR जो बना है वो मेरे कार्यकाल में बना है, 2009 के बाद JVLR का कोई काम ही नहीं बचा है जी। इस बार आप क्या देखते हैं, मनसे को किस ढंग से देखते हैं आप? अभी मनसे का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं रहा है, मनसे का जो राजनीति जिस ढंग से लोग पहचानने लगे वैसे अभी फैक्टरी ज्यादा नहीं रह गया मनसे के बारे में। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग ऐसा लोकसभा चुनाव में मराठी बिगर मराठी, हिंदी बिगर हिंदी, मुस्लिम हिंदू, ऐसा भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए, हम लोग तो कभी करते नहीं, लेकिन आम तौर पे जो मराठी लोग जो आकर्षित हो गए मनसे की तरफ, तो इस समय मुझे विश्वास है कि ये आकर्षण अभी उसके मन में कम हो गया, वो कटौती इतनी विभाजन होने वाला नहीं इस समय जी। एक जनता को अभी जनता समझनी चाहिए, समझा कि नहीं, ये दुटप्पा उनका जो धोरण है किसका, मनसे वाले का, वो जनता समझ के ही वोट करेंगी इस समय। ऐसा है कि शिवसेना के खिलाफ लड़ेंगे, शिवसेना NDA का घटक है, BJP के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो भी NDA का घटक है, मोदी जी को पंतप्रधान बनाएंगे अगर हम चुन के आएंगे, ये उनकी बातें, ये सब नकली बातें, ये गुमराह करने वाली बातें, और ऐसा गुमराह अभी जनता हो नहीं पाए। अच्छा, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या होगी, मान लीजिए आप सांसद चुनकर के आते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम, आपकी प्राथमिकता क्या? मैं जो बोला ना आपको, जो काम 5 बरस में नहीं किया गया जो हो सकता था, जैसे मैंने बोला पोस्ट ऑफिस के बारे में, CRZ के रिलैक्सेशन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि रेलवे का स्टेशन नहीं बनता है, पूरी मुंबई शहर की 76 लाख किलोमीटर्स को रोज सेवा देने वाली हमारी लोकल ट्रेन है, उसकी सुविधा, उसकी आवश्यकता जो है वो करने वाली है, उसको मैं प्राधान्य दे दूंगा। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये इथेच थांबूयात, पाहत रहा टाइम TV महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।